रामदेव जी तंवर, उन्दू काश्मीर बाड़मेर के अंदर एक जगह पड़ती है, वहां पर जन्म हुआ था। अजमाल जी इनके पिताजी थे जो कि वास्तव में पोकरण के सामंत हुआ करते थे। मम्मी का नाम था मीणा दे और पत्नी का नाम था नेतल दे। हालांकि मुझे ये पढ़ाते हुए कई बार बड़ा अजीब लगता है कि हमें हमारे लोक देवता भी पढ़ने पड़ते हैं। कितना बुरा समय आया है कि हम हमारे महापुरुषों के बारे में जानते भी नहीं है, हम हमारे महापुरुषों के बारे में ध्यान भी नहीं रखते हैं। यदि कोई बच्चा थोड़ा सा गांव के अंदर ध्यान दे ले, थोड़े से गीत सुन ले, तो भी मम्मी पापा के नाम तो कम से कम याद ना ही करने पड़े। क्योंकि सर बचपन से एक रामदेव जी महाराज का भजन सुनते थे और उसके अंदर बार बार आया करता था कि घणी रे ओ खम्मा अजमाल जीरा कौरा, वो तो मीणा दे रो लाल, वो तो नेतल रो भरतार। कि अजमाल जी का कुंवर था, मीणा दे का लाल था, वो नेतल का भरतार था। सब चीजें आती है पर हम ध्यान नहीं देते, चूंकि तो अब याद करने पड़ेंगे। पिताजी का नाम अजमाल जी था, मम्मी का नाम मीणा दे था, पत्नी का नाम नेतल दे हुआ करता था इनकी। नेतल दे अमरकोट के दलेल सिंह सोढ़ा की पुत्री थी। मतलब कुल मिला के बाबू जी और रामदेव जी दोनों की शादी तो अमरकोट हो रखी थी। मंदिर इनका रूणीचा है, रामदेव राम है। जैसे हम पढ़ रहे थे कि बाबू जी महाराज का मंदिर कोलूमंड जो उनका गाँव है वहीं पर है, इनका मंदिर यहाँ रूणीचा और रामदेव राम। ऐसा क्यों? तो कहते हैं यहाँ पर रामदेव जी ने समाधि ली थी। हिंदुओं में पहले यह भी एक परंपरा हुआ करती थी कि संत पुरुष जो हुआ करते थे वो अपने समय को अंतिम जब जानते थे कि अब हमारा अंतिम समय आ चुका है, उस समय खड्डा खोदकर उसमें बैठ जाया करते थे, समाधि ले लिया करते थे। तो रामदेव जी ने समाधि ली थी। कहते हैं उन्होंने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को समाधि ली थी और भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को उनका जन्म हुआ था। तो उनका उन्दू काश्मीर में जब जन्म हुआ था उस दिन जो तिथि थी वो तो थी भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, और जब उन्होंने समाधि ली थी उस दिन जो दिन था वो था भाद्रपद शुक्ल एकादशी। इसलिए वो मेला द्वितीया से लेकर एकादशी तक चलता है। तो रामदेव जी का जब जन्म हुआ था उन्दू काश्मीर में, तब वो कहते हैं कि भाद्रपद शुक्ल द्वितीया के दिन हुआ था। ये अभी तो भाद्रपद लगा है, आज तो कृष्ण पक्ष शुरू हुआ, तो कृष्ण पक्ष की द्वितीया, अभी अब आगे आएगा तो शुक्ल पक्ष की द्वितीया आ जाएगी 15 दिन बाद में। तो 15 दिन बाद के अंदर रामदेव जी वाला मेला यहां से शुरू हो जाएगा। तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेके भाद्रपद शुक्ल एकादशी, तो देख लो द्वितीया से एकादशी मतलब दूसरे दिन से 11वें दिन तक, 10 दिन तक ये मेला वहां पर चलता रहेगा। दूसरे दिन से 11वें दिन तक लेकर ये मेला वहां पर रहेगा। इतनी भीड़ होती है, इतनी भयंकर भीड़ होती है, इतने पैदल यात्री आप किसी मेले में नहीं पाते जितने इस मेले के अंदर पाते हैं। अक्सर गानों में आता है, थाने तो ध्यावे आखो मारवाड़ जी, आखो गुजरात जी। मारवाड़ी में आखो शब्द का मतलब होता है पूरा संपूर्ण। आपको तो पूरा मारवाड़ धोखता है, आपको तो पूरा गुजरात धोखता है। जब इतने पैदल लोग आएंगे तो कितनी भीड़ लगती होगी यहाँ पर। हम इस मेले को मारवाड़ का कुंभ कहते हैं। ये जो मेला है ये मारवाड़ का क्या कहलाता है? कुंभ कहलाता है। रामदेव जी महाराज के जो गुरुजी हैं उनका नाम है बालीनाथ जी, और बालीनाथ जी महाराज का जो मंदिर है ना भाई, वो जोधपुर में एक पहाड़ी पड़ती है मसूरिया, उस मसूरिया पहाड़ी पर इनका मंदिर है। आप जयपुर से जब जोधपुर जाएंगे तो जोधपुर में घुसने से पहले ये मसूरिया हिल आएगी। रामदेव जी ने बुक कौन सी लिखी थी? तो रामदेव जी का बुक का नाम क्या है? 24 बाणियां। अक्सर हम पढ़ते हैं कि रामदेव जी के झंडे को नेजा कहा जाता है। आरपीसी क्वेश्चन और पूछती है कि रामदेव जी का झंडा नेजा कहलाता है। पूछा हुआ सवाल है ये, कोई थर्ड ग्रेड के एग्जाम में पता नहीं किसमें, कि कौन से लोक देवता का झंडा नेजा कहलाता है। मुझे लगता है यार आप ऐसे कैसे कर सकते हो, नेजा का मतलब ही झंडा होता है। नेजा का मतलब ही क्या होता है? झंडा होता है। अब भारत देश का जो झंडा है वो भी नेजा है, बाकी देवताओं के झंडे होते हैं वो भी नेजा ही होते हैं, किसी भी झंडे को नेजा ही बोलते हैं। अपने तो यहाँ पे खूब सारे दोहे हैं, पग पग नेजा फाड़ियान, पग पग पड़ी ढाल, बीबी पूछे खान सून जग किता जगमाल। रामदेव जी के समकाल ही नहीं, यहाँ पे मल्लीनाथ जी, आगे मैं एक लोक देवता और पढ़ूंगा, मल्लीनाथ जी लोक देवता हुए थे, जिनका बेटा जगमाल एक बार गुजरात के राजा के साथ लड़ाई करता है और उसमें गुजरात के राजा के जो सैनिक थे उन सबको भागना पड़ा था, उनके झंडे छीन लिए गए थे यहाँ पे, उनकी ढालें तोड़ दी गई थी यहाँ पे। कहते तो उसमें जगमाल की तरफ से भूत लड़े थे, भूत आए थे खूब सारे, जगमाल के भूत दोस्त थे वो लड़े, और हर भूत जब किसी सैनिक को पीट रहा तब कह रहा था लय जगमाल पीट रहा है, लय जगमाल पीट रहा है। इसलिए सारे सैनिक जब पिट पिट आके घर पहुंचे, उनकी बीवियों ने पूछा यार इतना किसने ठोका, आज मुंह सुझा सुझा के आयो? कहा जगमाल ने पीटा। दुआ है उस पे, पग पग नेजा फाड़ियान, पग पग पाड़ी ढाल, बीबी पूछे खाने से उन जग किता जगमाल। जगह जगह झंडे फटे हुए थे, जगह जगह ढालें गिरी हुई थी, बीवियां अपने खानों से पूछ रही कि कितने जगमाल थे, सारे जगमाल से कैसे पिट गए। पर हम पढ़ते हैं इतने सालों से कि रामदेव जी का झंडा नेजा है, आरपीसी पूछती है तो अपने भी याद कर लिया जाए, वरना हिंदी में एक अच्छा रहेगा आपके, हिंदी में झंडे के जब पर्यायवाची याद करोगे तो एक नेजा भी याद कर लोगे। अगले वाले भी मुझे और बड़ी अजीब सांसी आती है कि हम अक्सर इतने सालों से पढ़ते हैं कि रामदेव जी के घोड़े को लीलो कहते हैं।
राजस्थान में हर घोड़े को लील लोई कहते थे। इवन महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था, हमें पता है, उसके बावजूद आपने छोटी क्लासों में गीत गाया होगा, लीला है घोड़ा रो असवार मारो मेवाड़ी सरदार राणा सुन तो जय जय रे, वहां पर भी लीला है। तेजाजी महाराज आगे हम पढ़ेंगे, उनकी घोड़ी है तो लीलन हो गई। अपने यहाँ पे घोड़ों को लीला करने का रिवाज ही था। और मैं बताऊं, अपने लीला रंग हरे को बोलते हैं मारवाड़ी भाषा में, लीलो मतलब हरा है। अब सावन के महीने में जब हरी घास फूस हो जाती है तो गांव वाले कहते हैं हमें लीलो हुआ, पशुओं के खाने के लिए हरा चारा हो गया, लीला हो गया। और याद दिलाऊं मैं आप, इस बरसात वाले सीजन के अंदर जब छोटे बच्चे थे तब आप खेले होंगे, एक हरे रंग का कीट पतंगा उड़ता हुआ आया करता था और बच्चे थे तब उनके पीछे भागते थे कि रामदेव जी रो घोड़ो आयो, रामदेव जी रो घोड़ो आयो। तो रामदेव जी घोड़ा किस रंग का होता था? हरे रंग का होता था। हरा मतलब लीला होता है, तो नाम ही हमने लीलो घोड़ो बना दिया। तो अक्सर ही अपने घोड़ों को लीला ही कहा जाता था, गीतों में गाया गया, इसलिए पूछना शुरू कर देते हैं। अगला और जोरदार चीज है कि इनके जागरण को जम्मो कहते हैं, जितने जागरण होते हैं उन सबको जम्मो कहते हैं। पर चूंकि आरपीसी पूछती है, अपने को याद करना पड़ता है, अपने को दो नंबर लेने से मतलब होता है। तुम दिन को अगर रात कहो हम रात कहेंगे, वो वाला फीलिंग है। इनके मेघवाल भक्तों को रिक्षा कहते हैं, जिस प्रकार पाबू जी के जो भक्त होते हैं वो भील जाति के लोग होते हैं, रामदेव जी के जो भक्त है वो मेघवाल जाति के लोग ज्यादा होते हैं, उनको रिक्षा कहा जाता है। वैसे रिक्षा का नॉर्मल मीनिंग होता है ऋषि, संत टाइप के लोग, ऋषि टाइप के लोग। जो भक्त होंगे वो अपने आप संत टाइप का आदमी होगा, शांत चित्त रहने वाला बंदा होगा, तो उनको रिक्षा कहने लगे। बाकी रिक्षा का नॉर्मल मीनिंग ऋषि होता है। मुझे याद आता है राजस्थानी भाषा के बारे में एक और अच्छा दुआ है कि दिधा निजगुण देवता रिखिया दी आशीष, जिन दिन सिरजी मुर्दरा सुनी नयोशीष। कि दिधा निजगुण देवता, देवताओं ने अपने गुण दिए, रिखिया दी आशीष, ऋषियों ने अपना आशीर्वाद दिया। जिन दिन सिरजी मुर्दरा, जिस दिन इस मरुधरा का सृजन किया गया, इस मारवाड़ की धरती का, इस राजस्थान की धरती का सृजन किया गया, सोनी नायोसिस, स्वयं धरती ने अपना सिर झुकाया, पृथ्वी खुद नतमस्तक हुई कि मेरा जो एक टुकड़ा मारवाड़ जो बनने जा रहा है, जिसको देवता अपने सारे गुण दे रहे हैं, ऋषि अपने सारे आशीर्वाद दे रहे हैं, तो वहां रिखिया दी आशीष साफ साफ आता है। हालांकि मैं एक दुआ और बताऊंगा आपको, इस दुआ से अगले वाला दुआ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगला दुआ है कि दिधा, दिधा नहीं जो देवता लुंठापन ही लीन, जो देवताओं ने नहीं दिए वो हमने जबरदस्ती छीन लिए। ऊपर वाला दुआ कहता है देवताओं ने गुण दिए, इस बार कहता है कुछ देवताओं ने नहीं दिए खा गए, पर हमने छीन लिए उनसे। दिदा नहीं जो देवता लुंठापन ही लीन, इंद्र भागे आंतरेन अबलग बरखाहीन। हमने देवताओं पे चढ़ाई करके छीन लिए थे, इसलिए इंद्र हमारे डर से भाग गया, इसलिए हमारे राजस्थान में बरसात कम करता है। तो रिख्या, रिख्या मतलब ऋषि होता है, पर यहाँ मेघवाल भक्तों के लिए किस शब्द का यूज में लिया गया? क्योंकि जो मेघवाल भक्त होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको रिख्या कहा जाता है। और जैसे पाबूजी महाराज को हम लक्ष्मण का अवतार मानते हैं, रामदेव जी को विष्णु का अवतार माना जाता है। गांव में तो कहानियां ये सुनाते हैं कि भाई रामदेव और वीरमदेव दो भाई थे, वीरमदेव जी बलराम के अवतार थे और रामदेव जी कृष्ण के अवतार थे। तो रामदेव जी कृष्ण के अवतार है, पर कृष्ण विष्णु एक ही बात है। अपने बोर्ड वाली बुक में विष्णु लिखा था, अपने विष्णु लिख लेते हैं। रामदेव जी को पीरों का पीर कहा जाता है। कहते हैं रामदेव जी की जब ख्याति इधर उधर बढ़ने लगी, रामदेव जी चमत्कार दिखाया करते थे, ऐसा माना जाता है, लोगों की सहायताएं किया करते थे। तो एक बार रामदेव जी के पास में 5 मुस्लिम संत आए और उन मुस्लिम संतों ने आकर कहा कि रामदेव जी हमने सुना है कि आप चमत्कार दिखाते हो। चमत्कार दिखाने को अपनी मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं पर्चा देना। ये भी याद रखना कि पर्चा का मतलब क्या होता है। तो पर्चा मतलब चमत्कार, मिरेकल्स। पर्चा मतलब चमत्कार होता है, मिरेकल होता है। तो कहा कि भाई रामदेव जी हमें पर्चे दिखाओ, देखे हमें चमत्कार दिखाओ। रामदेव जी ने कहा यार ऐसा मत, कोई चमत्कार नहीं दिखाता यार। अरे नहीं नहीं आजकल सारे स्टूडेंट तुम्हारी कोचिंग में एडमिशन ले रहे हैं, हमारी तरफ तो कोई आ ही नहीं रहा, ऐसा क्या चमत्कार दिखाते हो तुम, हमें भी दिखाओ। रामदेव जी ने कहा नहीं नहीं मत, सिंपल सिंपल पढ़ाता हूँ, हमारे तो ऐसा कुछ ही नहीं, ये तो बच्चे ही जानते हैं हमारी कोचिंग में ज्यादा क्यों आते हैं। रामदेव जी ने कहा छोड़ो यार दूसरी बातें, कहाँ पढ़ गए, घर पे आए हो खाना खा के जाओ, पश्चिमी राजस्थान है भाई, पश्चिमी राजस्थान में और बेसिकली गाँव में सब जगह, आज भी घर आया हुआ मिनख भूखा तो नहीं जाना चाहिए। शहरों में तो लोग फिर भी पूछ लेते हैं कई बार कि भाई खा के आयो जाके खाओगे, पर गांव वाले अभी तक नहीं पूछते। राम जी ने कहा खाना तो जिमो, खाना लेके आए, खाना लेके जैसे ही आए उन्होंने वापस कहा उन संतों ने कि हम तो खाना हमारे बर्तनों में खाते हैं, हम दूसरे के घर के बर्तनों में खाना ही नहीं खाते। तो रामदेव जी ने कहा यार अब मेरे घर पे तो मेरे ही बर्तन होंगे, आप वाले बर्तन कहाँ से लाऊं। उन्होंने कहा तू चमत्कार दिखाता ना, पर्चे दिखाता ना, तो आज इन बर्तनों को हमारे वाले बर्तनों में कन्वर्ट करके दिखा दे, ऐसा ही तू है तो ये करके दिखा दे, हम मान जाएंगे तेरे को। रामदेव जी को अब सुनते हुए कई देर हो गई थी। रामदेव जी ने कहा तुम कुछ भी कर सकते हो, यूं जयकांत सिकरे का इगो हट नहीं कर सकते भाई साहब। उन्होंने आंखें बंद करो रामदेव जी ने कहा, उन्होंने आंखें बंद की,
राम जी ने आंखें खोलो, आंखें खोली तो बर्तन वो के वो जो वो अपने घरों में खाते थे वैसे वैसे बर्तन रखे हुए थे। उन पांचों ने दंडवत प्रणाम किया, उन्होंने कहा भाई रे हम तो पीर है रामदेव, तू तो पीरों का पीर है। तो रामदेव जी को क्या कहा जाता है? पीरों का पीर कहा जाता है। कहते पोकरण क्षेत्र में एक कोई सेठ था भैरव नाम करके, पोकरण वाले इलाके में एक भैरव नाम करके सेठ हुआ करता था, लोगों से बहुत ज्यादा ब्याज लिया करता था, लोग तंग थे उससे, अनपढ़ लोग पैसे लेने जाते बहुत ज्यादा ब्याज लगाता, रुपए पूरे भी नहीं करता, फिर उनको बेगार लेता, उनसे उनकी जमीन खरीद लेता, उनके घरों पे कब्जे कर लेता। लोग इकट्ठे हो गए रामदेव जी महाराज के पास गए कि ये भैरू डाकू हो गया भाई और हमारे तो पैसे चुकते ही नहीं है इसके। कहते रामदेव जी ने इसको उस क्षेत्र से भगाया था, भैरव नाम के क्रूर व्यक्ति का दमन किया था। वो सेठ ब्याज पे पैसे देता था। हम बाद में कहानियों में राक्षसन डाकून इस प्रकार की बातें लेके आ जाते हैं। क्रूर आदमी था, क्रूअल मैन था जी कुल मिला। रामदेव जी ने कांवड़िया पंथ प्रारंभ किया। रामदेव जी के एक धर्म बहन हुआ करते थे भाई, डाली भाई मेघवाल। मैंने बताया मेघवाल जाति के भक्त ज्यादा होते हैं, कारण था कि रामदेव जी के एक धर्म बहन थे डाली भाई मेघवाल।